हेलो एवरीवन, फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सनत कुमार आज बात करने जा रहा हूँ प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइसिंग क्या है? प्राइस इज अमाउंट ऑफ मनी यू चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट, मतलब एक पैसा है या फिर एक सम ऑफ द मनी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक लिमिटेड मनी या लिमिटेड एक फिक्स प्राइस है जिससे आप कोई भी चीज़ या फिर मतलब कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस खरीदी कर रहे हो। हम लोग पहले अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो पहले के ज़माने में जब पैसा नहीं था तब बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम मतलब तू मेरा लैपटॉप ले ले, मैं तेरा लैपटॉप ले रहा हूँ, या फिर तो मैं मुझे लैपटॉप चाहिए तो उसके बदले में लैपटॉप का जितना भी खर्चा रहेगा या फिर जो भी उसका चार्जेस रहेगा तो उतने कीमत का मैं मेरा कोई अलग आइटम आप तुम्हें दे रहा हूँ। तो ये बेसिक बार्टर सिस्टम हो रहा था। फिर बाद में हमने यहाँ पे रुपीज़ इंट्रोड्यूस हुए, डॉलर्स इंट्रोड्यूस हुए, इन शॉर्ट करेंसीज इंट्रोड्यूस हुए, एंड आफ्टर दैट करेंसीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इन शॉर्ट ये एक प्राइसिंग है जो हम लोग प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के लिए देते हैं। सेकंड, हम लोग अगर देखा जाए तो प्राइसेस क्या है। प्राइस हमें ये बताता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज क्या है या फिर वो कितना वर्थ करता है। अगर आप कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, वहाँ पे आप खाना खा रहे हो, वही खाना या फिर वही हम लोग नॉर्मल देखते हैं ना कि चाय कॉफ़ी लेने के लिए हम लोग किसी छोटे से रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना 50 रुपये की कॉफ़ी मिल जाएगी। लेकिन वही कॉफ़ी अगर हम लोग सीसीडी में जा रहे हैं, स्टारबक्स में जा रहे हैं, देन वहाँ पे हमें 100-200 से ज़्यादा देना पड़ता है, 300 रुपये की कॉफ़ी पीनी पड़ती है। देन इट डिपेंड्स कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। मतलब प्राइसिंग हमें ये भी बताता है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, उसके सर्विस क्या है, राइट। देन इसके बाद प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग क्या कर सकता है। प्राइसिंग कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर सकता है, प्राइसिंग कस्टमर को दूर भी भेज सकता है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो आपने मॉल में कभी घूमते हुए ऐसे एड्स देखे होंगे, ऐसे प्रमोशंस देखे होंगे, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री या फिर बाय टू गेट थ्री, राइट। मतलब दो खरीदी करो उसके ऊपर एक मिल जाएगा, मतलब तीन हम लोग लेके जाएंगे, दो का पैसा देंगे। तो इसमें क्या है कि प्राइसिंग जो आप फिक्स करते हो आपके प्रोडक्ट के लिए तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। 999 1000 रुपये भी लिख सकते हैं, लेकिन 999 मतलब 3 डिजिट है, 1000 मतलब 4 डिजिट का नंबर बन जाता है, राइट। तो 999 3 डिजिट अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर को। वही अगर 1200 रुपये, 1050 रुपये, थोड़ा उतना फीलिंग नहीं आती है कि अरे ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया या फिर ये तो ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स थोड़ा नज़दीक के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एग्जांपल में डिफर्स, प्राइसिंग में डिफर्स, आप अलग सोच रहे होंगे, बट मैं यहाँ पे समझाने की मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइसिंग कैसे रिएक्ट करता है या फिर कस्टमर कैसे रिएक्ट करता है प्राइसिंग को। तो हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मतलब प्राइसिंग जब भी डिसाइड किए जाते हैं तो उसमें कितने टाइप्स है, या फिर प्राइसिंग कौन कौन से टाइप से हमें डिसाइड कर सकते हैं, या फिर ऐसे कितने तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं जिससे प्राइसिंग डिसाइड किया जाता है बड़े बड़ी कंपनीज में, या फिर अपने जो भी रेगुलर बिजनेस रहते हैं, रेगुलर शॉप्स रहते हैं, उसमें भी हम लोग क्या ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजीज है, जो भी आपने मैंने MBA में PBA में पढ़ा है, जो भी हमने डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, एग्जांपल्स हमारे डे टू डे बिजनेस में हम लोग यूज़ करना सोचते हैं, यूज़ करने के बारे में देखते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग पहला प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखें तो वो बनता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसका मतलब क्या है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, मतलब क्या है, जो ग्राहक बोले वो, जो ग्राहक बोलेगा वो। मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि आप कोई कपड़े बेचते हो, जैसे कि आपका एक क्लॉथिंग शोरूम है, तो क्लॉथिंग शोरूम में आप ऐसे सोचते हो कि अरे मेरा शर्ट का जो कपड़ा है, मैं जो कपड़े बेचता हूँ, जो शर्ट मैं बेचता हूँ, उसका कपड़ा शायद उतना ठीक नहीं है एज़ कम्पेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे ये शर्ट 100 रुपये में मिल रहा है और मैं मार्केट में कस्टमर को बताते समय ये 300 रुपये बोल रहा हूँ, और कस्टमर अगर मुझे 150 रुपये भी बोलेगा तब भी मैं थोड़ा बहुत भाव ऊपर नीचे करके मैं उसको 150 रुपये में दे दूँगा या फिर 170 तक क्लोज करने की कोशिश करूंगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ग्राहक बोल रहा है वो, या ये बनता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। मतलब आपको पता है उस क्वालिटी क्या है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर आप प्राइसिंग के ज़्यादा मगजमारी नहीं करोगे। आप क्या करोगे, कस्टमर जो बोल रहा है हाँ ठीक है। तो सेकंड आता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, मतलब जो तेरा वो मेरा। मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा फनी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही बनता है कि सब्जी मंडी, मार्केट में आप जा रहे हो, भैया टमाटर कैसा केजी है, वो बोलेगा 15 रुपये पर केजी, राइट। 15 रुपये का किलो, 1 किलो टमाटर 15 रुपये लगेंगे। भैया वहाँ पे तो 10 रुपये में मिल रहा है, अच्छा ले लीजिए,
₹10 मिल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है या फिर थोड़ा बहुत मगजमारी करता है वो 15 वाला, बोलेगा कि सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे अच्छा क्वालिटी का है, अच्छे बड़े है, ताज़े है, अभी खेत से लाए, बहुत सारे वो बातें करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे पिचिंग वो लगा देगा। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो वहाँ पे ₹15 मिल रहा है तो मेरे यहाँ पे भी ₹15 मिल रहा है, वहाँ पे ₹10 को मिल रहा है तो मैं यहाँ पे भी ₹10 की कोशिश करूँगा सेल करने की। फ्रूट शॉप्स में भी बहुत ज़्यादा होता है, अरे बाजू बाजू में दुकान है वहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल मैंने जो दिखाते समय आपको दिखाया कि पेप्सी और कोका कोला, ये तो कॉर्पोरेट लेवल की कंपनीज के कॉम्पिटिशन हो गए जहाँ पे दोनों कंपनीज कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं। दोनों कंपनीज का अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे 50 ml का बॉटल हो गया फिर 1 liter का बॉटल हो गया तो उसका प्राइसिंग लगभग सेम है, लगभग मतलब कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो प्राइसिंग कॉम्पिटिशन में आ रहा है। और उसी के साथ सब्जी मंडी का तो बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है प्राइस स्कीमिंग, मतलब ठोक के पैसा उठाओ। प्राइस स्कीमिंग का बेस्ट एग्जाम्पल मैं अगर आपको बता दूँ वो है एप्पल, लेकिन पहले उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, फिर स्कीमिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्कीमिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आता है वो बहुत रेट से आता है। अगर मैं आपको बता दूँ बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा, एप्पल। एप्पल के मोबाइल, कोई भी मोबाइल आते हैं ₹1,00,000 के मोबाइल आ रहे हैं, 80,000 के मोबाइल आ रहे हैं, 1.5 lakh का मोबाइल आ रहा है जिसमें तो वो चार्जर या एयरपोर्ट्स भी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी 1.5 lakh का मोबाइल आ रहा है और कस्टमर्स ले भी रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन कुछ हफ्ते होने के बाद, कुछ महीने होने के बाद, नया डिवाइस आने के बाद, नया अपग्रेडेशन आने के बाद उसका रेट ऑटोमेटिकली कम होते जाता है। मतलब 1.5 lakh का मोबाइल दो तीन साल तो 1.5 lakh नहीं रहेगा, उसका जब नेक्स्ट अपडेट आता है, नेक्स्ट अपग्रेडेशन होता है, देन उसका दूसरा मोबाइल जो रहता है उसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, इसका कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि इसे बोलते हैं प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग। मतलब यहाँ पे क्या है कि आप पैसे जो ले रहे हो कस्टमर के पास से, तो प्रोडक्ट जब लॉन्च कर रहे हो तभी ले रहे हो, बाद में आप पैसा उसका कम कर रहे हो। ये अगर हम लोग देखते हैं तो आपका अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मोनोपोली है आपके, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो ये वाला। लेकिन अगर आपके साथ आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, आपके पास वो प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के पास भी है, आपके 10 आसपास में जितने भी दुकान है उसमें भी है, तो वो आपको काम नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको तभी काम को आएगा जब आपके पास वो प्रोडक्ट है और बाकी किसी के पास नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट बनता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, खर्चा ठन्नी आमदनी रुपया। मैं मतलब सोच रहा था कि इसको क्या नाम दूँ, किसको क्या नाम दूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब यही है कि खर्चा ठन्नी आमदनी एक रुपया। जैसे कि अगर मैं बता दूँ, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्लस योर मार्जिन इज इक्वल टू योर प्राइस, तो जो भी मतलब अमाउंट रहेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस मार्जिन जो भी रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा, या फिर मार्जिन जो भी रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ सैंडविच का, सैंडविच बनाते समय आपको ककड़ी लग रही है, कुकुम्बर लग रहा है, देन उसके बाद आपको लग रहा है ब्रेड लग रहा है, उसके बाद सॉस लग रहा है, उसके बाद मायोनीज लग रहा है, उसके बाद चीज़ लग रहा है, उसके बाद आपको मतलब टोमेटोज लग रहा है, उसके बाद ग्रीन चटनी, हरी चटनी लग रही है, एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, बटर लग रहा है, तो उसमें अब गैस भी लग सकता है राइट, या फिर उसके बाद आपको सैंडविच मेकर भी लग सकता है। तो ये जो भी कॉस्ट आता है, अगर सपोज बन समझ लेते हैं कि एक सैंडविच बनाने के लिए आपका कॉस्ट आ रहा है ₹30, इंक्लूडिंग ऑल दिस मटेरियल, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दैट सैंडविच मेकर, और अगर आप तवे पे कर रहे हो देन गैस का या फिर ऑयल का, बटर का, जो भी रहेगा लाइक एक्सपायर्ड, तो ₹30 का अगर आपका कॉस्ट है, उसके ऊपर आपने ₹20 मार्जिन लगा दिया, आपका प्राइस बन गया ₹50, तो यहाँ पे प्रॉफिट बन गया आपका 20। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बहुत जगह पे यूज़ होता है, बहुत जगह पे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यूज़ किया जाता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड हम लोग इसे बोलते हैं, बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है और हर जगह पे एटलीस्ट यूज़ होता ही है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन, कोने कोने से बाजार में घुस जाना, कोने कोने से बाजार में घुस जाना। मतलब क्या कि हम लोग कैसे करते हैं, छोटा थोड़ा थोड़ा ऐसे छुप के जाना है, मतलब हमें डायरेक्टली लॉन्च नहीं होना। स्कीमिंग में क्या होता है, डायरेक्टली लॉन्च होता है, अरे बस मैं ही बॉस हूँ, मैं ही बॉस हूँ और मेरा प्राइस ये है। एप्पल बोलते हैं ना कि मेरा एप्पल, एप्पल जो है मैं ये मोबाइल डिवाइस मार्केट में ला रहा हूँ, ये डिवाइस का कॉस्ट है ₹1.5 lakh, ₹1.5 lakh ठोक के होता है। मतलब आप सोच सकते हो उसका जो भी टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से प्राइसिंग डिसाइड करता है, वो ठोक के पैसा लेता है, यहाँ पे ये कोने कोने से जाता है। तो यहाँ पे अगर बेस्ट एग्जांपल मैं दे दूँ तो जियो का जब सिम कार्ड मार्केट में आया तो सबको फ्री में मिलते गया, सब लोग लाइन लगा के सिम कार्ड्स लिए, लेकिन बाद में बोला गया कि ₹100 का हमें मेंबरशिप लेना है, या फिर कुछ प्रीमियम चार्जेस वगैरह करना है, कुछ रिचार्ज वगैरह करना है, ₹100 का कुछ तो शायद था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद उन्होंने रेगुलर कर दिया ₹599 का जो भी प्लान है, 3 महीने का, 84 days का जो भी प्लान है वो कर दिया, हम लोग यूज़ करते हैं वो जो रेगुलरली। तो ये इसे बोलते हैं पेनिट्रेशन, मतलब क्या है कि इसमें हल्लू बाजू से आराम से घुस जाने का, एक बार मार्केट में घुस गए, अच्छा मार्केट में सेटल हो गए, देन अपना प्राइसिंग
आराम से बढ़ा देने का। तो नेक्स्ट आता है इकोनॉमी प्राइसिंग। इकोनॉमी प्राइसिंग मतलब तू तेरा मैं मेरा। इसका मतलब अगर मैं बता दूं आपको, कोई ऐसे रिटेल शॉप है, लैपटॉप का कोई एक शॉप है जो लैपटॉप के ऊपर 10,000 रुपये, एक्स वाई जेड मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 रुपये वो मार्जिन ले रहा है, मतलब 50,000 का लैपटॉप वो 60,000 रुपये में मार्केट में बेच रहा है। ऐसे कह सकते हैं एक शॉप है जहाँ पे वो एक लैपटॉप बेचने के लिए 10,000 रुपये मार्जिन ले रहा है, 50,000 का लैपटॉप वो 60,000 रुपये में बेच रहा है। लेकिन वहीं पे दूसरा एक होलसेलर है जहाँ पे वो एक साथ 10 लैपटॉप दे रहा है, राइट, एक साथ 10 लैपटॉप बेच रहा है, एक ही कस्टमर को 10 लैपटॉप बेच रहा है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन वो क्या करेगा, वो 50,000 की जगह मतलब 60,000 जहाँ पे वो 10,000 रुपये मार्जिन ले रहा था ना, तो 10,000 की जगह वहाँ पे अब वो लेगा शायद 3,000 या 4,000 रुपये, मतलब वो 50,000 का लैपटॉप शायद 54,000-55,000 में बेचेगा, मतलब 55,000 में बेचेगा, मतलब यहाँ पे मार्जिन उसने कम कर दिया लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। इसमें क्या इकोनॉमी प्राइसिंग में क्या होता है कि वॉल्यूम पे खेला जाता है। नॉर्मली टेक्सटाइल में ये प्राइसिंग मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि टेक्सटाइल में 1 किलो 2 किलो तो यूज़ नहीं करते, 1 किलो टॉवल तो नहीं लेते नहीं है वहाँ पे, लिए तो एक एक गांठ ले रहे, मतलब 100-100 किलो टॉवल ले रहे हैं। 100-100 किलो टॉवल में अगर 500 ग्राम का एक टॉवल भी समझते हैं तो 200 टॉवल आता है कम से कम। तो यहाँ पे वॉल्यूम में खेला जाता है, जहाँ पे आपका मार्जिन कम रहता है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल जाता है। तो इसके बाद आता है डायनामिक प्राइसिंग, मतलब सुनो तो अपनी मार्केट की। बहुत से टेक्सटाइल्स में आपने देखा होगा कि अरे कॉटन का रेट बढ़ गया है, यार्न का रेट बढ़ गया, टॉवल का रेट बढ़ गया, फैब्रिक का रेट बढ़ गया, अरे 100% कॉटन है इसका रेट बहुत ज़्यादा है, या फिर 100% सिल्की कपड़ा है तो सिल्क का महंगा है, क्योंकि सिल्क का प्रोडक्शन कम है तो इसलिए सिल्क का कपड़े महंगे रहते हैं, सिल्क की साड़ी महंगी है, अलग अलग तरह की साड़ियाँ हैं तो वहाँ पे वो महंगी है। तो इसमें क्या है कि डायनामिक प्राइसिंग क्या है कि जहाँ पे आपको मतलब नेचुरल कैलमिटी भी अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन भी अफेक्ट कर रहा है, कॉटन का रेट बढ़ गया तो यार्न का रेट भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि मार्केट के ऊपर, कि मार्केट में कंडीशन क्या चल रही है, जो मार्केट में कंडीशन चल रही है उसी के ऊपर हमारा प्राइसिंग है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सुनो तो अपने मार्केट की, मतलब जो मार्केट करेगा, जो मार्केट बोलेगा वही हम लोग करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमने देखा है, जहाँ पे हमने वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग देखी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देखी, उसके बाद स्कीमिंग प्राइसिंग देखी, उसके बाद कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो रेगुलरली यूज होता है, उसके बाद पेनिट्रेशन इकोनॉमी, एंड उसके बाद हम लोग देखा है डायनेमिक प्राइसिंग। हर एक प्राइसिंग मेथड के ऊपर, हर एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा, मतलब आएगा 100% आएगा, राइट। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक तो करना ही है, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी करना, थोड़ी ना कुछ जा रहा है, क्लिक करना है हमें। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, ऑब्वियसली अगर आपको हेल्पफुल लगता है आपके बीबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्स के स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत नॉलेज भी तो मिल गया, तब भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।